सत श्री अकाल जी, सारा का स्वागत है दिस परदेस लाइव प्रोग्राम। फिलहाल तुम देख रहे हो, मैं थोड़ा कविता सिंह, नाल ही साढ़े आज के स्टडी वीजा एक्सपर्ट साढ़े नाल मौजूद CFC तो मैडम गुरप्रीत। सत श्री अकाल मैम, स्वागत है। सत श्री अकाल जी, थैंक यू। सो जिन्हें भी साढ़े विद्यार्थी ने जी, साढ़े दर्शक है कैनेडा जाने के चाहवान, थोड़े वास्ते जी जुलाई इनटेक के नाल दे नाल सैप्टेंबर इनटेक की एडमिशन भी चल रही है। स्टूडेंट्स जिन्होंने जाना हों, सोचा हों, मन बनाया हों, काइंडली जरूर जल्दी अपलाई कर लिया करो, देरी ना करा करो। कई बार गुरप्रीत मैं ये भी देखती हूँ, स्टूडेंट कन्फ्यूज बहुत होंगे कि कैनेडा अपलाई करिए या दो साल हो गए तो मैं UK मैं अपलाई करा, वीज़ा आएगा या नहीं आएगा, या मैं हूँ ऑस्ट्रेलिया अपलाई कर ला, उतों का वीज़ा लैके हासिल करके रख लव, मेरी रिजेक्शन आई हुई है जी, दो बारी आ गई, मैं थर्ड टाइम मैं चांस नहीं लैना चाहता। सो बहुत ज़्यादा सवाल कितना कितने मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स के मन के रहे हैं। की कहना फिलहाल अज के टाइम स्टडी वीज़ा को लैके? स्टडी वीज़ा को लैके कविता जी मेरी एको ही सुजैशन होंगी है कि जो बच्चे ने माइंड मेक कर लिया कि मैं अब्रॉड स्टडी कर जाना है, तो अब्रॉड जो भी बच्चा स्टडी कर जाता है तो उन्होंने पता है कि एग्जाम है जो IELTS का, उन्हें पेपर जोड़ा है वो क्लीयर करना है, वो तैयारी वह मिड जो लगता है कि वह 4-5 महीने रह के है, लास्ट क्वालिफिकेशन जो भी वो होंगी है, प्लस टू कर रहा तभी मिड च अपना स्टार्ट कर दे, जो वो ग्रैजुएशन कर रहा है मास्टर वास्ते जाना, हायर एजुकेशन लिए जाना है तो भी वह कर सकता स्टार्ट अपने IELTS के पेपर न, स्टडी कंप्लीट होने तो बाद ना जोड़ा है कि सोचा करो, उस तो पहले ही तुसी एक लैंग्वेज जेडी क्लास है वो अपनी पहले ही लैनी स्टार्ट कर दिया करो, ताकि जदों नू तुहाडा सारा कुछ कंप्लीट होना, जेडी तुहाडी लास्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी है, जेडी तुहाडी लास्ट स्टडी आ, उन्हें चर च नाल दी नाल तुहाडा लैंग्वेज टेस्ट जेडा क्लीयर होवे, ते उस तो पहले अपना सर्च आउट करना स्टार्ट कर दे स्टूडेंट, किहड़े कंसल्टेंट के थ्रू अपलाई करना है, किहड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपलाई करना है, किहड़ी लोकेशन ते अपलाई करना है, ते जदों ऑन द स्पॉट बच्चा आन के चैक करदा है चीज़ां और लैंग्वेज कोर्स जी तैयारी शुरू करता है, उत्थे जाके सानू प्रॉब्लम आती है, साढ़े गैप बढ़ जाते हैं, जो असं गैप बढ़ जाते हैं फिर असं कुछ बना जनू सैटिस्फाई आप नहीं होंगे, जे असी हो जाने तो सू कंसल्टेंट एवं गाइड कर देता, असं कन्फ्यूज हो जाने, तो बहुत सारिया चीज़ा है जी प्रोफाइल में लैके सू समझनिया पैनगियाँ, बिना गैप बधाए ही स्टूडेंट अपलाई करे तो कि वह रिजल्ट जोड़ा 100% जेनुअन एंड पॉजिटिव रिजल्ट मिले जी। ना असं कॉल्स भी अटेंड करा जी, जो तुम कॉल करनी है उस वेले अपने TV की अपने फोन की आवाज़ में हौली रखना। फिलहाल सारे YouTube चैनल के उपर जी देश परदेस लाइव प्रोग्राम वेख सकते हो, सबसक्राइब करते रहा करो जी YouTube चैनल में, अपनी प्रोफाइल्स उत्थे भी डिस्कस करो, असी थोड़ी प्रोफाइल इस मंच के उपर डिस्कस करांगे जी साढ़े अज के स्टडी वीजा एक्सपर्ट के नाल। देश परदेस लाइव प्रोग्राम के CFC तो मैडम गुरप्रीत ने, सो गुरप्रीत मैम फर्स्ट कॉलर इस वाले साढ़े नाल। हैलो, हैलो, हाँ जी, सत श्री अकाल सर। नौ फरवरी का, अच्छा चलो ये तो मार्च भी हूँ तो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तुसी जवाब TV के उपर सुन लो प्लीज़। कितों गल कर रहे हो विक्रम, किहड़ी जगह तो? मैं हुशियारपुर तो। ओके चलो जवाब तुसी सुनो जी अपना। CFC मैम कविता जी, इन्ना टाइम नहीं लगता कॉलेज कभी भी थोड़ी एडमिशन की कन्फर्मेशन देने, तो दूसरी गल है कि तुसी केड़े इनटेक लई अपलाई किया, कदों अपलाई किया, 9 फरवरी नूं अपलाई किया जां नहीं किया, वह चीज़ा तुहानूं चैक करनियां पैणियां अपने कंसल्टेंट के थ्रू, जिहड़ा जिहदे बंदे दे थ्रू तुसी अपलाई किया, एक बार उन्हूं कंसल्ट जरूर करो, फिर भी तुहाडा कोई सल्यूशन नहीं निकलता तो तुसी सानूं अपना जिहड़ा प्रोफाइल है वह भेज दो CIMT कॉलेज तो, असीं डायरैक्ट जिहड़ा है तुहाडी गल्लबात करके देख लेंगे, तुसी किहड़े कोर्स लई एडमिशन लई सी ते कित्थों दा कैंपस लिया सी, वह सारियां चीज़ां सानूं तुसी प्रोवाइड करा दो, फिर असं तुम्हें डिकलेयर कर दस देंगे कि थोड़ा जी ऑफर लैटर क्यों नहीं आ रही, बट इन्ना टाइम नहीं लगता, बहुत ज्यादा लंबा समा है, इन्हों आप कहेंगे कि थोड़ा ये चीज़ा कुछ रीचैक करनिया चाहिए, जो फिर भी नहीं समझ आता तो फ्री ऑफ कॉस्ट साढ़े वालों सर्विस दी जाऊगी, जो भी साढ़े वालों बनता होया तुसी आफ्टर शो कॉल करके काउंसलिंग भी लै सकते हो और चीज़ों समझ भी सकते हो। गुरप्रीत मैम जनरली अगर देखा जाए तो किन्ने टाइम के ऑफर लैटर एक पास प्राइवेट इंस्टीट्यूट साढ़े को, एक पास गवर्नमेंट के,
कविता जी कन्फर्मेशन जी 3 तो 4 दिन के आ जाती है ठीक स्टूडेंट है। की और ऑफर लैटर की जो मैं गल करा तो 15 दिन के आ जानी चाहिए और मैक्सिमम टाइम दस रही हूँ विद इन 6 डेज एंड 5 डेज के ऑफर लैटर आ जाती है। अच्छा ये भी देखा भी कई ऑफर लैटर फ्री ऑफ कॉस्ट के थानू मिल जूगी जी कोई चार्जेस नहीं है कई होंगे नहीं जी इन्ने $200 की हैगी है या 100 pound थानू जो है पे करने पैणगे ऑफर लैटर के वास्ते राइट। कविता जी कई बार की होंगे कि जो कंसल्टेंट होंगे वर्क स्टाइल के उत्ते डिपेंड करता है कुछ कंसल्टेंट थोड़े जिहड़े आ तुहाडे तों एप्लीकेशन फीस चार्ज नहीं करते क्योंकि वो तुहाडी कन्फर्मेशन ते तुहाडी ट्यूशन फीस पे कर देंगे ते जे आपां कन्फर्मेशन ते ट्यूशन फीस नहीं पे करते आपां वेट करते कि सानूं कन्फर्म्ड ऑफर लैटर चाहिए है तो फिर वो कन्फर्म्ड ऑफर लैटर पे करके ही सानूं मिलेगी जो भी उहदा $200 जां $150 जां $250 जिहड़ा भी उहदा जिहड़ी फीस होगी जे तुसीं कन्फर्मेशन ते अपनी ट्यूशन फीस पे कर दिंदे हो कॉलेज नूं फिर वो एप्लीकेशन फीस तुहाडे तों नहीं लैंदा। सो फिलहाल जी तुसीं CFC दियां सर्विसेज लैनियां ने तो तुसी शॉर्टली यानी कि नंबरां तों ते फिलहाल कॉल कर लो क्योंकि लाइव प्रोग्राम चल रहा है तुसी अपने प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हो। जुलाई इनटेक ते सितंबर इनटेक रश किन्ना का हैगा स्टूडेंट्स दा किन्ना का इंटरेस्ट हैगा? काफ़ी रश है कविता जी कोई भी स्टूडेंट जेड़ा वेट कर रहा सीगा और प्रॉक्सली स्टूडेंट दे दिमाग दे विच एक चीज़ सी कि मई दे विच AIP आउणगियां और साड़ियां जिहड़ियां सितंबर दे विच असीं वीज़ा ग्रांट करा लांगे ते मैं स्टूडेंट्स नूं दस देना चाहुंदी हाँ कि मई इनटेक च वी वीज़ास आ रहे ने जिन्हां ने स्किप कीता ते और जिहड़ा सितंबर इनटेक आ उहदे लई तां बहुत स्टूडेंट साड़ा बल्क च बैठा होया जिहड़ा एडमिशन करवा रहा इस टाइम ते इस करके मैं उहनां स्टूडेंट्स नूं इह सलाह देना चाहुंदी हाँ जिहड़े सोच रहे कि सितंबर हजे दूर है सितंबर दूर नहीं है ऑफर लैटर आनियाँ स्टार्ट हो गई कन्फर्मेशन आनियाँ स्टार्ट हो गई कंडीशनल ऑफर लैटर जिहड़ा कॉलेज यूनिवर्सिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो तुसी डिले ना करो ये ना कि आप जदों आप अपलाई कर आईए तो सितंबर इनटेक के लिए तुहाड़ी मर्जी की कॉलेज तुहाड़ी मर्जी का जिहड़ी लोकेशन है तुहाड़ी मर्जी का जिहड़ी चॉइस कैंपस ऑफ चॉइस है जां तुहाडा कोर्स है वो तुहानू चीज़ा ना मिलन इस करके मेरी स्टूडेंट नूं इह हैगी है रिक्वेस्ट है जे तुसी सितंबर इनटेक के लिए जाना तो हुणे अपलाई करो और एक मिड इनटेक जुलाई भी है जुलाई दे विच जी। हेलो 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 सो आवाज़ साढ़े तक नहीं पहुंची तो दोबारा कॉल कर लो जी। देश परदेश लाइव प्रोग्राम फिलहाल तुम देख रहे हो जी। लाइव लैके आने का मकसद ये है कि तुम घर बैठे भी ना एक जो अपना सवाल वो डिस्कस कर सकते हो क्योंकि कई इदा के स्टूडेंट्स जी बहुत दूर बैठे है नहीं टाइम मिल पाता कि हाँ जी असं ऑफिस विजिट कर लिया। आई थिंक सो एक चंगा प्लेटफॉर्म है साढ़े दर्शकों के वास्ते विद्यार्थियों के वास्ते भी जो एक्सपर्ट्स इतने आते हैं कोई नॉर्मल कंसल्टेंट्स नहीं आते साढ़े दर्शकों भी पता है विद्यार्थियों भी जितने तो इस शो न 10-12 साल होने वाले ने जी हो चुके हैं उत ही जो एक्सपीरियंसड साढ़े कंसल्टेंट्स आते हैं ऑलमोस्ट इस इंडस्ट्री के। हैलो जी सत श्रीकाल। हाँ जी हाँ जी सत श्रीकाल जी। हाँ जी सर मैं नूर बोल रहा जी की सवाल है? हेलो हाँ जी लिसनिंग या वी आर लिसनिंग यू अपना सवाल दस दो। मैम मेरे 5.5 बैंड है नॉट लेस देन 5 ओके इन ईच विच से कंप्लीट कॉलेज से लगे हैं केड़ा कॉलेज तुसी कह रहे हो? विंसर दे विच कह रहे ने जी जी 5.5 ओवरऑल क्वालिफिकेशन की है ओवरऑल 6 है ओके ई 5.5 दो जो 5.5 ओके तो थोड़ी एजुकेशन की है जी क्वालिफिकेशन प्लस 2 प्लस 2 कदों कीती है? हेलो व्हिच ईयर यू कंप्लीटेड योर ग्रेड 12th? यो वॉइस इज नॉट ऑडिबल। तुसी केड़े साल 12वीं कीती है? आई थिंक इट्स 2019 ओके फाइन जी 2019 दे विच कह रहे ने 2019 च प्लस 2 कीती है बच्चे ने एक साल का गैप भी है तो कविता जी जदों भी बच्चा कॉलेज चॉइस मंगता है जदों भी साड़े को लोकेशन चॉइस मंगता है सब तो पहला सानू प्रोफाइल भेजो और एक साल का तुम की किया चीज़ भेजो उस तो बाद असी तुहाड़ी जिहड़ी चॉइस ऑफ कॉलेज सुन लिया और चॉइस ऑफ कॉलेज जो एडमिशन पॉसीबल हुई जो तुहाड़ा क्राइटेरिया मैच करता हुआ उस कॉलेज के नाल तो आप जरूर तुहाड़ा जिहड़ी एडमिशन है पुट ऑन कर देंगे। बाकी तुम एक 2 चो तुहाड़े 5.5 आ मे भी मैनू लगता नहीं है कि कॉलेज वो तुहानू
इस जिहड़ी स्कोर दे उत्ते एडमिशन देवे, बट फिर भी आपां ट्राई कर सकते हैं। तुसीं प्रोफाइल अपना सानू प्रोपर भेज दो विद डॉक्यूमेंट पासपोर्ट कॉपी, तो आपां ट्राई कर लेंगे, फिर तुहानू गाइड कर देंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स नू, तुसीं जिहड़ी लैंग्वेज कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज साडे तो सवाल पूछ करया करो। कोई भी साडे मन दे विच इहो जी कोई चीज़ नहीं है कि तुहानू इंग्लिश एक्सपर्ट हो तो आपां वधिया काम हो जाऊगा। जे तुसीं पंजाबी एक्सपर्ट है तो सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है तुहाडे नाल पंजाबी गल करन च। इस करके लैंग्वेज यूज करो, क्योंकि शो दी भी इनादी बेस लैंग्वेज जेडी है वो पंजाबी है, ते प्लीज पंजाबी च आपा गल करिए ते ज्यादा वधिया है। सो गुरप्रीत मैम, स्टूडेंट्स दी चॉइस भी रहंदी है भी मैं पर्टिकुलर इस कॉलेज से जाना या इस जगह ते जाना जी, बट कई देखा गया भी कंसल्टेंट कहते नहीं जी असं उत्थे अप्लाई करांगे जिथे तुहाडा वीजा आ जाए जी। सो यानी वो केड़े स्टूडेंट ने फिर जिन्हों अपनी चॉइस मिलेगी? कविता जी चॉइस दी गल उत्थे गल करदे आ, मे बी तुहाडे कॉलर या एक बारी कॉल कर लीजिए प्लीज। हां जी, सत श्री अकाल। बहुत बहुत मुबारक जी, लेकिन वो स्टैंपिंग नहीं हुई है। स्टैंपिंग नहीं हुई तो वीजा मैंने भी समझ नहीं आई, वीजा कितने आ गया? जो हाँ जी बीएसएफ से स्टैंप होती है ना वीजा पे, पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गया था ना? नहीं पासपोर्ट पे जो स्टैंप होती है ना बीएसएफ से, नहीं वो तो VFS थोड़ा पासपोर्ट कलेक्ट करेगा, थोड़ा पासपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं करता क्या? चार दिन बचे फसले जो ना खत्म हो जाना उसका टाइम की, तो उनका कोई कांटेक्ट नहीं होना, मैं बार बार मेल कर रहे हूँ उन्होंने, असी कांटेक्ट मेल थ्रू ही कांटेक्ट कर सकते हैं। तो तुसी मेल थ्रू कांटेक्ट करो, जेडी उथे पेमेंट अमाउंट जेडी तुसी फिल करनी है उहदा लिंक मिलिया तुहानू? और कोई रक्षा नहीं, मेल चार बार कर चुके हूं। नहीं पेमेंट का लिंक नहीं आया तुहाडे कोल? हेलो मैडम, सवाल सुनो प्लीज। हाँ जी, या फोन दे ऊपर ध्यान दो। तुहानू पेमेंट का लिंक आया जो तुसी मेल कर दे, तुहानू एक आउट मे उन्हां वल्लों भी मेल जिहड़ी आ रिसीव होएगी, उहदे च तुहानू कोई पेमेंट का कोई लिंक आया उन्होंने भेजा तुहानू? मैडम जी वो उन्होंने पहले भेजे सी कि हम तुहाडे घरों नहीं लै सकदे इस एरिया च, फिर असी IDPI अमृतसर दा दिखा सी। कविता जी, इस स्टूडेंट को मेरी यही सलाह है, ये एडवाइस है कि स्टूडेंट है सानू आफ्टर शो जा हुने मैं फाइलिंग डिपार्टमेंट चो इन्हों कॉल बैक अरेंज करवा दूंगी, फाइलिंग डिपार्टमेंट मेरा इन्हों प्रॉपर क्लीयर कर दूंगा। मेल होने तो बाद जो तुसी मेल कर दे ओदे तुहानू एक पेमेंट लिंक आंदा है, जे तुहाडी पेमेंट लिंक आ रहा है तो तुसी पेमेंट करोगे तो ता ही उन्होंने पासपोर्ट जिहड़ा है तुहाडे तो कलैक्ट करना, अदरवाइज नहीं करना। तो मे भी तुहानू वो चीज़ जिहदे थ्रू भी तुसी अप्लाई कीता जां तां ओदे नाल तुसी एक बार कॉन्टैक्ट करो, फिर भी तुसी आफ्टर शो सानू कॉल कर लो जां साडे वल्लों तुहानू कॉल अरेंज हो जाऊगी। बिलकुल एडमिशन हो सकती दस दूंगी। जे आप विदाउट आईलैट्स सोच रहे हैं तो अपने को यूएसए ऑप्शन है, यूएसए अप्लाई कर सकते हैं। उस तो बाद जे आप कैनेडा सोचते हैं स्पेसिफिक में इसी कंट्रीज जाना है, फिर आप विद आईलैट्स अप्लाई करांगे, विदाउट आईलैट्स आप कैनेडा नहीं अप्लाई कर सकते। जेड़ा आप विदाउट आईलैट्स कैनेडा अप्लाई कर रहे थे ड्यूरिंग
ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ USA ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਆਫਟਰ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ 10 ਮਈ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ 10 ਦਿਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਗਾ, UK ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਰੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਇੰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ CFC ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ, ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ VF ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਲੈਕਟ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ VFS ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਫਟਰ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾ ਦਾਂਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਪਰੋਕਸ ਆਪਾਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਰਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਗਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਇਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਪਰੋਕਸ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਗਵਾਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਲਗਵਾਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਟਿਵ ਰਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੇ ਨਾ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਰ ਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਦਲਬੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ।
मेरा क्वेश्चन है कि अभी उधर स्टडी परमिट वास्ते कौन अप्लाई करिए या थोड़ा वेट कर लिए ताकि मेन गेट का रश निकल जाए। अच्छा आईएलटीएस स्कोर की है, प्रोफाइल दस दो जी बेटे दी। बेटे मेरे को ऑलरेडी मतलब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है रहा है, सीजीएटी वगैरह पे कर देता हूं, लेकिन भी प्रोसीड किया गया। देखो जी जे तुहाडे कोल सारा कुछ ऑलरेडी हैगा, जे सारियां चीज़ां तुहाडियां रेडी ने, तो तुसी सितंबर इनटेक दे लई वीज़ा जिहड़ा है फाइल कर सकदे हो। तुसी रुकना क्यों है, जे रुकना है वध तो वध तुसी मार्च मंथ रुक जाओ, अप्रैल च तुसी अपना सितंबर इनटेक दा जिहड़ा है वीज़ा वह अपलाई करो, डिले ना करो, क्योंकि एम्बेसी भी थोड़ा टाइम लैंदी है, फिर असी डिस्टर्ब होंदे आ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट है जिहड़ा बिल्कुल मौके ते अप्लाई करदा है, ते फिर उस तो बाद जिवें हुणे आपां नूं इक कॉल भी आई सी कि 4 दिन रह गए साडे कोल, असी 4 दिन दे विच जे ना आया तो साडा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हुंदा कुछ नहीं है। वीज़ा अफसर ने जे वीज़ा देना है तो तुहानू चीज़ां जिहड़ियां कुछ मैनुपुलेशन है कि मैनुपुलेट कीतियां जाणगियां कि इनटेक छड्ड के दूजा लै लो, तो इस करके इन्हां चीज़ां दे वीज़ा लै के रख लिए। बिल्कुल वीज़ा लैके रखना चाहिए है, सितंबर इनटेक का अप्रैल दे विच तुहाडा वीज़ा ग्रांट हो जूगा, तुहाडे कोल अच्छा समा होगा, तुसीं सारियां चीज़ां मैनेज करके इत्थे जा सकते हो, उत्थे भी एक महीना जाके पहला तुसीं अपना सारा कुछ मैनेज कर सकते हो। जरूरी नहीं आपां मौके ते अपलाई करना हुंदा, आपां पहला अपलाई करिए, साडे वल्लों हर टाइम यही गल समझाई जाती है कि टाइम रहिंदे असीं अपलाई कर लईए, बिल्कुल मौके ते असीं अपलाई करदे हां तां बहुत सारियां चीज़ां पोस्टपोन हो जांदियां, सारा डिस्टर्ब हो जांदा जिहड़ा इक साडा सर्कल बनिया हुंदा, और वीज़ा अफसर ने भी तुहानूं वीज़ा करके सितंबर लई मेंटली फ्री कर देना है, इस करके अपना जल्दी तो जल्दी अप्लाई कर लो, डिले ना करो जी। सो फिलहाल सीएफसी तो मैडम गुरप्रीत ने जी तुसी कॉल करके अपना सवाल जरूर डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है। स्टूडेंट जी सितंबर इनटेक उस तो पहला क्योंकि जुलाई भी हैगा, किद्दां दी हुण प्रोफाइल जुलाई दे विच तुसी देख रहे हो? कविता जी जदों आपां जुलाई इनटेक की गल करते हैं एक फॉल इनटेक हुंदा, इहदे विच सारे बच्चों एडमिशन तो नहीं मिल सकदियां, बट कुछ बच्चा है जिहड़ा साडा जिहड़ा इहदे विच एडजस्ट हो सकता है, जिवें साडे 5.5 वाले बच्चे हो गए, जां साडा जो कोई स्टूडेंट रिफ्यूज होया वो स्टूडेंट, एंड जां साडा स्टूडेंट है जिन्हें कोई हायर एजुकेशन लिए और स्पैसीफिक कोर्स नहीं सोचा होया, उन्हें यह है कि मेरी स्टडी ना रेलवेंट कोर्स मिल जाए तो मैनूं कैनेडा का वीज़ा मिल जाए मैं अपलाई कर सकां, तो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बिना गैप वधाए तुसी जुलाई इनटेक लई अप्लाई कर सकते हो, तो अप्रॉक्स मई इनटेक तो खत्म हो चुकी है, हुण आपां जुलाई इनटेक लई ही अप्लाई करांगे, तो हुण देखो ये जिहड़ा समा है आपां जुलाई इनटेक लई ये ना सोचिए कि बहुत टाइम पिया, आराम नाल अप्लाई कर लेंगे, समा घट है, जल्दी आपां एडमिशन लैके अपनी रख लीए। हैलो हाँ जी सत श्री अकाल मैडम जी, जी देश परदेश लाइव चलता पिया, सवाल दस दो। पढ़े किन्ना ने ओ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? 2020 ਚ। ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ? 2020 ਚ ਕੀਤੀ ਮੈਡਮ 94% ਆ, ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਿ 5.5 ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 5.5 ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ। ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ। कविता जी मेरा स्टूडेंट्स नूं ये रहा है कि बहुत अच्छी प्रोफाइल है, एक साल का तुसी गैप पा लिया, हुण गैप ना वधाओ, इसे आईएलटीएस स्कोर ते आराम नाल तुहाडा वीज़ा निकल सकता है, ईजीली वीज़ा निकलूगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक चो 5.5 आ, 6 ईच की जरूरत नहीं है, बच्चा प्लस टू है, इस करके 6 ईच दिमाग चो पहला कढ़ दो, इस आईएलटीएस स्कोर ते वीज़ा आराम ना निकल जूगा, बाकी 94% आ बच्चे की जी कि बहुत मैटर करती है, तुहाडा बहुत अच्छा प्रोफाइल है, अपना अपलाई करो बिना गैप वधाए, आराम ना तुहाडा वीज़ा निकल सकता है, बट एक चीज़ सोच समझ के अपनी प्रोफाइल किसी कंसल्टेंट के हाथ च दो, ये नहीं कि मैं कह दिता तो तुसी किते भी जाके अपनी फाइल पुट ऑन कर दो, वीज़ा निकल जूगा पर अपलाई सोच समझ के करना है कि तुहानू लगता है कि ये जेन्युइन कंसल्टेंट है तो जरूर अपलाई करो जी। सो फिलहाल सीएफसी मैडम गुरप्रीत ने, क्योंकि गुरप्रीत मैम इन्होंने ये भी जरूर किया भी असं 3-4 बारी
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਬਟ ਨਹੀਂ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਸ ਆਈਲੈਂਡ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਬੋਦਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਸਪਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਸੋ CFC ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਸਤੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਟ ਮੈਡਮ ਨੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਈਚ ਅਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਮੋਡਿਊਲ 'ਚੋਂ 5.5 ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਆਏਗੀ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ CFC ਦੀ ਅਗਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ